और यहाँ पे हम लोग बैग रखेंगे और यहाँ से जाएंगे हम लोग मार्कंडे महादेव। बस नंबर 106 में बैठ चुके हैं इलेक्ट्रिक बस और ये जाएगी यहाँ से सीधा मार्कंडे महादेव। गोमती का संगम। तो अभी बज रहा है सुबह के 10 और हम आ चुके हैं बनारस बाबा की नगरी, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हम लोग बैग रखेंगे और यहाँ से जाएंगे हम लोग मार्कंडे महादेव, फिर वहाँ से आते हैं तो देखते हैं टाइम रहा तो गंगा आरती वगैरह दिखाएंगे आपको। चलते आपको गुस्सा है, ये है बनारस। तो अगर आप ट्रेन के बोगी में बैठ के खाना चाहते हैं तो ये रेस्टोरेंट आपके लिए है। रेल के बोगी में बैठ के आराम से खाइए, इंजॉय कीजिए। और इस टाइम हम लोग हैं काशी में, मेरी काशी मेरी स्वर्ग माँ। यहाँ से हम लोग जाएंगे मार्कंडे महादेव, आगे बस मिलती है इलेक्ट्रिक बस, वो लेके जाएगी डायरेक्ट आपको मार्कंडे महादेव। तो आराम से इसी में बैठ के जाएगी और आ जाएगी, चलते हैं बस पकड़ने। बस नंबर 106 में बैठ चुके हैं इलेक्ट्रिक बस और ये जाएगी यहाँ से सीधा मार्कंडे महादेव। तो आप कैंट आते हैं और मार्कंडे महादेव जाना है तो आपको हर एक घंटे पे बस मिल जाएगी, तो आप ले सकते हैं, टाइमिंग है उसकी। चलो ऐप पे आप बस देख सकते हैं टाइमिंग। हम लोग बस में बैठ गए, अभी बस यहाँ से निकली नहीं है, अभी बस बैठ रही है सवारी। टाइम ही नहीं देते हैं यार, एक तो आर्टिकल भी बस उतर चुके हैं। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप बनारस आइए, बनारस कैंट से आपको बस नंबर 106 आपको सीधा मार्कंडे महादेव मंदिर के पास लेके आएगी। तो आप कुछ ना लीजिएगा, सिर्फ ना ऑटो पकड़िए ना कोई बस, केवल इलेक्ट्रिक बस पकड़िए, सीधा मंदिर तक लेके आएगी। नहीं तो कोई बस भी पकड़ते हैं नॉर्मल वाली तो वो आपको पुल के पास ही छोड़ के चली जाएगी, वहाँ से लमसम 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर अंदर है। तो उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक बस पकड़े हर 20 मिनट पे, आधे घंटे पे। क्यों उतना घूमा है? अरे यार वहीं यहीं पे आपको ला के मार्कंडे महादेव मंदिर के पास छोड़ेगी इलेक्ट्रिक बस। तो मिलते हैं आपको आप सीधा मंदिर के परिसर में। आ चुके हैं मार्कंडे महादेव के दरबार पे, ये रहा। आप मार्कंडे महादेव जब भी आएँ और जो बनारस से आना है तो इलेक्ट्रिक बस में आए, 30 किलोमीटर है, 50 रुपये किराया है। ऐसे ऑटो वाले 100 रुपये ले लेंगे एक आदमी का, केवल एक तरफ का, वो भी आधे रास्ते ही छोड़ेंगे, पुल के पास ही छोड़ देंगे। तो उससे अच्छा है कि आप आइए इलेक्ट्रिक बस पकड़िए, बस नंबर 106 और सीधा मार्कंडे महादेव के परिसर में ला के वो आपको ड्रॉप करेगा। ये रहा मार्कंडे महादेव का मंदिर, हम चल रहे हैं अंदर, मिलते हैं आपको कुछ टाइम में। मार्कंडे महादेव का द्वार। मंदिर से बाहर आए हुए हैं गंगा जल लेने के लिए, तो यहाँ पे संगम है गोमती और गंगा का। मंदिर से जस्ट 200 मीटर आगे सामने जस्ट है, मंदिर के सामने ही ये रहा। चलिए आपको दिखाते हैं और गोमती का संगम मार्कंडे महादेव के गेट से, गेट के जस्ट सामने। अभी हम लोग चल रहे हैं वापस मार्कंडे महादेव, वहाँ पे हुआ रुद्र अभिषेक, फिर हम लोग चलेंगे फिर से इलेक्ट्रिक बस पकड़ेंगे, चलेंगे। तो अभी हम लोग मार्कंडे महादेव परिसर में हैं और यहाँ की मान्यता ये है कि जो मार्कंडे जी थे उनको ही लेने यमराज आ रहे थे, तो मार्कंडे जी ने महादेव की तपस्या की, उन्हें खुश किया तो महादेव जी प्रसन्न होके उनकी आयु लंबी कर दी। तो यहाँ मान्यता ये है कि कहा जाता है कि यमराज यहाँ पे आके हार गए, मार्कंडे देव से आके यमराज यहाँ पे हार गए। तो यहाँ पे आप एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी मान्यता है यहाँ पे, तो आप आइए घूमिए। अभी हम लोग का रुद्राभिषेक होने वाला, संकल्प ले रहे हैं, तो अभी पंडित जी कुछ और बताएंगे तो मैं आगे अपडेट करूँगा। मिलते हैं आपको कुछ टाइम में। अब यहाँ पे पूजा हो चुका है हम लोग का और हम लोग निकल चुके हैं हम अपने गंतव्य की तरफ। वहाँ चल के हम लोग लेंगे अब इलेक्ट्रिक बस पकड़ेंगे, 160 नंबर की बस, और फिर होगा आगे है और फिर हम लोग चलेंगे स्टेशन कैंट। तो याद रहे
106 नंबर वाली बस ही डायरेक्ट मार्कंडेय महादेव मंदिर के पास आती है और उसके बाद से यहाँ से डायरेक्ट कैंट भी जाती है। तो आपको आना हो सस्ते में आप यहाँ आ सकते हैं। मिलते हैं आपको कुछ टाइम में। दर्शन करके आ चुके हैं और ये रहा बस स्टैंड इलेक्ट्रिक बस का जस्ट इसके पीछे। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक बस मिल जाएगी 106 नंबर की। आराम से बस पकड़िए, सीधा कैंट चले जाइए या कैंट से यहाँ पे सीधा डायरेक्ट आ जाइए। लेकिन ऑटो मत पकड़िए, 50 रुपये में भाई आ जाओगे, 50 रुपये में चले जाओगे, 100 रुपये में तुम्हारा बच जाएगा पैसा, 100 रुपये में आना जाना दोनों। और भीड़ नहीं है, भीड़ पूरी खाली थी। तो मिलते हैं आपको कुछ टाइम। ये रही हम लोग की इलेक्ट्रिक बस जो कि मार्कंडेय महादेव मंदिर के पास आई है और ये हमको कैंट तक छोड़ेगी। तो बस नंबर E106, बस नंबर 106 आप लेके आ सकते हैं मार्कंडेय महादेव। अब हम लोग का ये रहा सीटिंग प्लान। तो मिलते हैं आपको कुछ टाइम। हम लोग का बस यहाँ से चल दिया है मार्कंडेय महादेव से। देख सकते हैं ये हमारा बस प्रस्थान कर गया है। हम लोग आ चुके हैं रेलवे कैंट स्टेशन। यहाँ से जाता है BHU और लंका की बसें और ऑटोस। तो हम लोग लेंगे यहाँ से 80 घाट के लिए ऑटो। मिलते हैं आपको। हम लोग निकल गए हैं 80 घाट के लिए ऑटो, जा रहे हैं गंगा आरती देखने।